अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने पढ़ा था मेयरिंग वॉल्यूम। इसमें हम किसी भी सब्सटेंस की जो जगह होती है उसको वॉल्यूम कहते हैं और उसको हमने नापना होता है, मेयर करना होता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है क्यूबिक मीटर। लेट्स बिगिन with the finding the volumes of objects with regular shapes। वो objects जिनके regular shape होते हैं, जो solids होते हैं, liquid नहीं होते, proper shape में होते हैं, उसकी हमने उनका हमने volume आज find करना है कि किस तरह से करते हैं। First you have to mention the date, that is 4 May 2021 and Tuesday is the day। Bismillahirrahmanirrahim, let's start। Some objects have regular shape। कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ चीज़ों की प्रॉपर शेप होती है। द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप सच एज बुक्स, बास्केटबॉल, सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस, पिरामिड्स एंड कोन्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। जो पूरी जगह है, शेप है बुक की, बास्केटबॉल की, सॉफ्ट ड्रिंक कैन की यानी जो बॉटल होती है उसकी, पिरामिड्स जो मिस्र में हैं इस तरह से पिरामिड्स उनको कहते हैं, एंड कैंस एंड कॉन्स जो आइसक्रीम कॉन्स होती हैं वो, कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूला। इनको कैलकुलेट किया जा सकता है फार्मूले के ज़रिए। The formula for calculating the volume of some regular objects are shown in the figure। जो formula होता है वो हमें given है। Let's begin। हम उसको देख लेते हैं। Cube, cube का formula है V is equal to L3। L length के लिए use हो रहा है, V volume के लिए। Length इसकी 3 इस तरह से होगी कि 1 side, सेकेंड साइड, थर्ड साइड। ये क्यूब की 3 लेंथ्स होती हैं, इसीलिए इसको एल क्यूब कहा जाएगा। ओके, सिलेंडर वी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच फॉर हाइट। पाई इसमें एज इट इज़ ही लगेगा, उसका कोई भी यूनिट वगैरह नहीं होगा, इसकी फिक्स एक वॉल्यूम होता है। एच हाइट, जो हाइट है सिलेंडर की, आर रेडियस, यहाँ से ये गोलाई में रेडियस आर को कहेंगे, वो कितना है तो ये डबल होगा, नीचे का भी और ऊपर का भी, तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, क्यूबॉइड V इज इक्वल टू L लेंथ के लिए, B ब्रेथ के लिए, H फॉर हाइट। अगेन सेफायर, V इज इक्वल टू 4/3 pi R क्यूब। कोन, V इज इक्वल टू 1/3 pi आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर इस वजह से कि ये वन साइड और दूसरी तरफ दूसरी साइड, तो ये दो साइड्स हो जाएंगे। मैंने आपको डिफाइन नहीं किया पाए का पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। पाए ग्रीक वर्ड है, ग्रीक साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट किया और ये फाइंड किया जा, ये यूज़ होता है सर्कल की रेशो फाइंड करने के लिए। आपने देखा कि सिलेंडर में और सफायर में ही और कोन में यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये सर्कल फॉर्म में है। ओके, इसकी रेशो वेरी होती है और ये सिर्फ यूज़ होता है फार्मूलाज में, मैथ्स के और फिजिक्स के। ओके, पाई इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ अ सर्कल।